हेलो स्टॉक्स वालों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जिनका ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वन 2019 में वो 17 गुना तक हो जाएगा। और ऐसा मानना है दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का। तो इस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं ब्लू चिप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। और इनका जो क्वार्टर वन 2019 के प्रॉफिट का जो प्रेडिक्शन है उसमें मिनिमम 100% प्रॉफिट के अप होने की उम्मीद है। और जो मिनिमम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर वन 2019 का जो नेट प्रॉफिट का प्रेडिक्शन है वो है लगभग 100% के आसपास। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सारे स्टॉक्स को, उनके क्वार्टरली रिजल्ट को, और साथ ही में देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर वन 2019 का क्या प्रेडिक्शन किया है मोतीलाल ओसवाल और कोटक ने। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लिए सब्सक्राइब, किस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है टॉप 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2019 और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। लिस्ट के नंबर 10 पे आती है एबीबी इंडिया लिमिटेड जो आती है सेक्टर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 31,955 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 1670 रुपए और जो लो है 1129 रुपए। और अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1500 रुपए के आसपास। तो अगर इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आपको दिख जाएगा नेट सेल्स में जंप लगभग 18% के आसपास, वहीं पे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 13% के आसपास अप है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मैं ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में दिख सकती है जंप 11% के आसपास की, वहीं पे जो इसका ईयर ऑन ईयर इबिटा मार्जिन है उसमें देखने को पड़ सकती है अच्छी खासी जंप 67% के आसपास की। और जो इसका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट होगा वो होगा लगभग 102% के आसपास अप, यानी दो गुने से भी ज्यादा। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आती है हेल्थ केयर ग्लोबल लिमिटेड यानी कि SCG लिमिटेड और ये आती है सेक्टर हेल्थ केयर में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1156 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 299 रुपए और जो लो है वो है 129.65 रुपए। और अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 130 रुपए के आसपास। तो अगर इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स भी देखने को मिली है जंप 16% के आसपास, लेकिन अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने रिपोर्ट किया था लॉस 8 करोड़ से ऊपर का मार्च 2019 में, जो था 436.68% की गिरावट। तो आप देख लेते हैं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने क्या प्रेडिक्ट किया इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर। तो उनका कहना है कि ईयर ऑन ईयर जो नेट सेल्स है उसमें देखने को मिल जाएगी जंप 16% के आसपास की, वहीं पे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इबिटा मार्जिन है उसमें देखने को मिलेगी लगभग 13% के आसपास की बढ़त। और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट होने वाला है उसमें देखने को मिल जाएगी जंप 104% के आसपास की। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड जो आती है सेक्टर NBFC में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 4038 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई था वो था 163.25 रुपए और जो लो था वो था 70.85 रुपए। और अभी जो ये ट्रेड हो रही है वो हो रही है 117 रुपए के आसपास। तो ये इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स में देखने को मिली जंप 38% के आसपास, वहीं पर अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहां एक सॉलिड जंप देखने को मिल रही है 1330.93%, मतलब 14 गुने से भी ज्यादा हो गया इसका नेट प्रॉफिट। तो देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का क्या प्रेडिक्शन है इसके बारे में। उनका कहना है इसका ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें देखने को मिल सकती है जंप 35% के आसपास, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इसका उसमें देखने को मिलेगी बढ़त 8.7% के आसपास की। और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट होने वाला है उसमें हमें दिख जाएगी लगभग 106% के आसपास की जंप। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है एक्सिस बैंक लिमिटेड जो आती है सेक्टर प्राइवेट बैंक में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 2,767 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 827.75 रुपए और जो लो है वो है 515 रुपए। और अभी जो ये ट्रेड हो रही है वो हो रही है 756 रुपए के आसपास। अगर इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसके नेट सेल्स में यानी कि नेट इंटरेस्ट अर्न में देखने को मिल रही है जंप 26% के आसपास की, वहीं पे इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें दिख रही है सॉलिड 168.76% की। तो अब देख लेते हैं कि कोटक ने क्या प्रेडिक्ट किया इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो उनका कहना है कि ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल जाएगी बढ़त 13% के आसपास की, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने को मिलेगी बढ़त 3.5% की। और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट होगा उसमें देखने को मिलेगी जंप 141% की। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आती है जेके सीमेंट्स लिमिटेड जो आती है सेक्टर सीमेंट में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 7555 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1075 रुपए और जो लो है वो है 649.55 रुपए। और अभी जो ये ट्रेड हो रही है वो हो रही है 971 रुपए के आसपास।
तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देखने में पता चलता है कि नेट सेल्स में देखने को मिली थी जंप 12.5% के आसपास की, वहीं पे 55% से ऊपर की जंप देखने को मिली थी इसके नेट प्रॉफिट में। तो देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का क्या प्रेडिक्शन इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि नेट सेल्स में हमें देखने को मिल सकती है गिरावट लगभग 2% के आसपास की, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका इबिट्टा मार्जिन है उसमें देखने को मिल सकती है बढ़त 20% से ज्यादा, और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट है उसमें 148% के आसपास की जंप हमें देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट के नंबर 5 पे आती है अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड जो आती है सेक्टर हेल्थ केयर में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 18,298 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 411.90 रुपए, और जो लो है वो 910.10 रुपए, और अभी जो ये ट्रेड हो रही है वो हो रही है 1,363 रुपए के आसपास। अगर इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो नेट सेल्स में देखने को मिल रहा है जंप 16.3% के आसपास, वहीं पे नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है अच्छी खासी बढ़त 28.57% की। अब देख लेते हैं कोटक का क्या प्रेडिक्शन है इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेके। तो कोटक का कहना है कि ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में हम देखने को मिल सकती है जंप 18% के आसपास की, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिट्टा मार्जिन जो है इसका उसमें देखने को मिल सकती है बढ़त 11.2% की, और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट है उसमें हमें सॉलिड जंप देखने को मिल जाएगी 170% के आसपास की। इस लिस्ट के नंबर 4 पे आती है बायोकॉन लिमिटेड जो आती है सेक्टर बायोटेक में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 30,318 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 359.18 रुपए, और जो लो है वो 230 रुपए, और अभी जो ये ट्रेड हो रही है वो हो रही है 253 रुपए के आसपास। अगर इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आपको दिख जाएगा 30.72% की बढ़त देखने को मिल रही है इसके नेट सेल्स में, वहीं पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है लगभग 64% के आसपास की जंप। अब देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का क्या प्रेडिक्शन है इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर। तो उनका कहना है कि ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में दिख जाएगी एक अच्छी खासी बढ़त 43.6% के आसपास। वहीं पे उन्होंने कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिटा मार्जिन के बारे में, लेकिन उनका मानना है कि ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगी सॉलिड जंप 183% के आसपास की। इस लिस्ट के नंबर 3 पे आती है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड जो आती है सेक्टर सीमेंट में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 2,952 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 128.20 रुपए, और जो लो है वो 74.75 रुपए, और अभी जो फिलहाल ट्रेड हो रही है वो हो रही है 96 रुपए के आसपास। तो इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो नेट सेल्स में देखने को मिल जाएगी लगभग 12% के आसपास की जंप, वहीं पे नेट प्रॉफिट में दिख जाएगा 24% के आसपास की बढ़त। और कोटक ने प्रेडिक्ट किया इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट। उनका कहना है कि ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में हमें देखने को मिल सकती है गिरावट लगभग 1% के आसपास की, वहीं पे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिटा पर टन जो है उसमें देखने को मिल सकती है बढ़त 36% के आसपास, और इसका ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट है वो 253% के आसपास बढ़ने की प्रेडिक्शन करी है कोटक ने, यानी कि 3.5 गुने के आसपास होने वाला है इसका नेट प्रॉफिट कोटक के हिसाब से। इस लिस्ट के नंबर 2 पे आती है दालमिया भारत लिमिटेड जो कि आती है सेक्टर सीमेंट में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 19,657 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1,220 रुपए, और जो लो है वो है 860 रुपए, अभी ये जो ट्रेड हो रही है वो हो रही है 1,004 रुपए के आसपास। अगर इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आपको दिख जाएगा नेट सेल्स में जंप 8.14% के आसपास, वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें दिख रही है सॉलिड बढ़त 78.13% के आसपास की। तो कोटक ने प्रेडिक्ट किया इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट, और उनका कहना है कि इसका ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स या तो फ्लैट रहने वाला या फिर मोस्ट लाइकली नेगेटिव होने वाला, लेकिन उनका कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिटा पर टन में हमें देखने को मिल सकती है बढ़त 17% के आसपास की, और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट होगा वो होगा लगभग 309% के आसपास, यानी कि अभी के प्रॉफिट से 4 गुने से भी ज्यादा। इस लिस्ट के नंबर 1 पे आती है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड जो आती है सेक्टर रिटेल में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 15,571 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 236.90 रुपए, और जो लो है वो 132.10 रुपए, और अभी ये ट्रेड हो रही है 209 रुपए के आसपास। अगर इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आपको देखने को मिल जाएगी 9.22% की जंप इसके नेट सेल्स में, वहीं पे अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहां देखने को मिलेगी 79.14% के आसपास की बढ़त। अब देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का क्या प्रेडिक्शन है इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स में हमें देखने को मिल सकती है जंप 10% के आसपास की, वहीं पे ईयर ऑन ईयर इबिटा मार्जिन में हमें देखने को मिल सकती है 19% के आसपास की बढ़त, और इसका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट उन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो किया 1,609%, यानी 17 गुने से भी ज्यादा होने वाला इसका प्रॉफिट क्वार्टर वन 2019 में।
ये थी टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट। तो क्या आपको लगता है कि मोतीलाल ओसवाल और कोटक ने जो प्रेडिक्ट किया है क्वार्टर वन का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इन 10 कंपनीज का, क्या वो अचीवेबल है? क्या आपको लगता है कि ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी असल में रिपोर्ट करने वाली है अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट में, या फिर आपको ये लगता है कि ये जो प्रेडिक्शन है ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, इतना ज्यादा प्रॉफिट ये कंपनीज नहीं रिपोर्ट करने वाली है? तो आपकी जो भी राय प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आया तो प्लीज से लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।